तो एक चीज जो हमने समझी वो ये है कि सत्युग में अकर्म, संगम युग में सुकर्म और विकर्म, द्वापर कलयुग में। आज पापा ने हमें कुछ नई नई बातें सुनाई है ना। आज पापा ने सबसे पहले कहा, तुम बच्चे कभी किसको दुख नहीं दो, है ना, कभी किसको दुख नहीं दो। दुनिया में तो कहते हैं जो सुख दे उसको दुख नहीं दो, लेकिन जो दुख दे उसको दुख दो, है ना। दुनिया में तो यहाँ तक कह देते हैं, अन्याय करने वाला गलत तो सहने वाला भी गलत। तो इसका मतलब कह देते हैं कि जिसे तुम अन्याय समझते हो उसके अगर कोई तुम्हें दुख देता है, तुम्हें लगता है वो अन्याय कर रहा है, तो उसको भी तुम रिटर्न में दुख दो। और इसको कहते हैं कि आप सही कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में रावण मत हमें कहती है कि जो दुख दे उसको दुख ना देना पाप है ना। ये भी एक शिक्षा हमें रावण राज्य में मिलती है। और बाबा हमें कहते हैं तुम कभी भी किसी को भी दुख नहीं दो, चाहे वो तुम्हें दुख दे चाहे सुख दे, तुम्हें उसको दुख नहीं देना है, क्योंकि तुम सुख के सागर के बच्चे हो। जैसे बाबा तुम्हें सदा सुख देते हैं, अब हम देखो गिरते हैं, पड़ते हैं, संभलते हैं, है ना, कई प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन बाबा हमें सदा सुख देते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ ऐसे ही तुम्हें भी क्या करना है, आगे सबको वैसा ही देना है। कोई कैसा भी है, क्या भी करे, तुम उसको दुख नहीं दे सकते। तो ये चीज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं है उससे बात नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन उसे दुख नहीं दे सकते, है ना। पहले अपनी स्थिति को सुख स्वरूप बनाना पड़े, फिर बातचीत करें, समझानी दें, जो भी करना है करें, लेकिन पहले स्थिति सुख स्वरूप होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ जो बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें समझाते हैं कि हम बाबा से पालना लेते हैं, और बाबा से पालना लेने वाले बच्चे श्रेष्ठ कर्म ना करें तो वो भी विकर्म के खाते में चला जाता है। आज एक बहुत बढ़िया बात आज बाबा ने बताई कि यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते हैं। तो बाबा कहते, बाबा के पास आए, बाबा का इतना समय, बाबा की इतनी मेहनत ली हम बच्चों ने, इतनी पालना ले रहे हैं, तो हम पर कर्ज चढ़ता है। बाबा की पालना लेकर हम श्रेष्ठ कर्म ना करें तो इससे भी क्या होता है, वो भी विकर्म कहा जाएगा कि बाबा की पालना लेने वाला बच्चा श्रेष्ठ कर्म ना करे। मुरली सुन ली, है ना, ब्रह्मा भोजन खा लिया, टोली खा ली, है ना, अच्छे से पालना ले रहे हैं रोज़, नए नए एग्जाम्पल, नया नया सब कुछ, लेकिन उसका कुछ रिटर्न ना दें तो उसको कहेंगे विकर्म बन रहे हैं। और दुनिया में जैसे विकर्म से भाग्य खत्म हो जाता है ना, विकर्म क्या करता है, भाग्य को खत्म कर देता है ना। जैसे हमने पुराना कोई सुख
कोई अच्छे कर्म किए हैं, है ना, जैसे भक्ति में और तो क्या अच्छे कर्म पर दान पुण्य जानते हैं, है ना। तो दान पुण्य के आधार से मानो किसी ने वो जो भक्ति में अच्छे कर्म किए हैं उसके आधार से उनको अभी कोई प्राप्ति है, लेकिन अगर वो उस प्राप्ति के होते हुए पाप पे पाप करते जाए तो क्या होता है, उसकी वो प्राप्ति खत्म हो जाती है ना, उस प्राप्ति में सुख अनुभव होना बंद हो जाता है। तो पुराने श्रेष्ठ कर्मों के खाते से जो सुख मिल रहा होता है, कंटिन्यूअस विकर्म उस सुख की गति को रोक देता है। अब बाबा के पास जब हम आते हैं तो हमें अलौकिक अतींद्रिय सुख का अनुभव होने लगता है, और हर बच्चा, है ना, हर बच्चा जब बाबा के पास आता है तो उसको एक नवीन अनुभव होता है जो कभी उसको पहले नहीं हुआ, है ना। और वो बच्चा अनुभव करता है ईश्वरीय प्यार को, शांति को, और शक्ति को, खुशी को, करता है कि नहीं। पहले पहले आप किसी भी बीके को जब कोर्स होता है, शुरू शुरू में चलते हैं तो ऐसे उड़ते रहेंगे, खूब लिखते हैं ना, हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि बात मत पूछो। लेकिन फिर 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वही स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे हमारे पिछले कर्मों के आधार से, पीछे हमने कुछ तो अच्छा किया होगा ना जो बाबा मिलते हैं, तो पिछले कर्मों के आधार से हमें बाबा मिला, बाबा ने हमें इतनी पालना दी, प्यार दिया, खुशी से झोली भर दी, जिस शांति का कभी अनुभव नहीं किया था वो शांति का अनुभव कराया, लेकिन हमने क्या किया, बस लेते चले गए, उसको वृद्धि में नहीं लाया, उसको काम में नहीं लगाया। बाबा आज मुरली में कहते हैं सिर्फ ना पढ़ रहे हैं ना सेवा कर रहे हैं, सिर्फ खा पी के हजम कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पिछले श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हमें जो शक्ति, शांति, स्नेह, ज्ञान बाबा ने दिया, उसको यदि हमने लेकर अपने कर्मों को, अपनी जीवन को बदला नहीं, है ना, और अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्मों का परिवर्तन नहीं लाया, या सेवा करना शुरू नहीं किया, क्योंकि बाबा ने हमें व्यर्थ तन मन धन का ज्ञान दिया तो उससे बचाया है कि नहीं। पहले हम कितनी जगह भटकते, भक्ति में, विकारों में अपना तन मन धन गंवाते थे, अब बाबा ने हमें शक्ति दी, समझ दी, हमें बाबा ने उस भटकने से, व्यर्थ गंवाने से बचाया। अब जब बाबा ने हमें बचाया, व्यर्थ कर्मों से बचाया, बाबा ने हमें ताकत भरी, समझ दी, उसके बाद हम क्या करें, उसको लेकर बैठ जाएं, कुछ करें ना, ना सेवा करें, है ना, ना उस तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाएं, ना हम पढ़ाई कर कर, कर्म कर कर श्रेष्ठ अपनी उन्नति करें, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कलयुग में होता था ऐसे संगम युगी भाग्य खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे अनुभव करते, मुरली तो सो सुनते हैं, अमृत वेला तो रोज उठते हैं, लेकिन खुशी नहीं हो रही, शांति नहीं मिल रही, वैसा नहीं लग रहा दीदी जैसे पहले होता था, है ना। तो तुम भी तो वैसे नहीं हो जैसे पहले थे है ना, तुम्हारे अंदर भी तो बहुत कैलकुलेशन चलने लगी है, मुरली सुनकर श्रीमत पर पूरी तरह चलते नहीं हो, तो उस कारण से संगम युगी भाग्य फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो बाबा ये भी हमें कर्म की गति समझाते हैं कि शिव बाबा से पालना लेकर फिर अगर श्रेष्ठ कर्म ना करें तो उसको भी हम कहेंगे विकर्मों की वृद्धि हो रही है। और फिर बाबा ने और एक बहुत बढ़िया आज बात बताई कि यहाँ विकर्म करना माना उसका 100 गुना बन जाता है ना। क्योंकि देखो दुनिया में भी क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है उसको नॉलेज नहीं है, है ना, लॉ की, तो वो क्राइम कर देता है तो उसको छोटी सजा देते हैं,
लेकिन जो बड़ा है, जिसको नॉलेज होनी चाहिए क्राइम की, वो कर देता है तो उसको सज़ा बड़ी मिलती है। तो बाबा कहते, तुम्हें इतनी पालना दी, प्यार दिया, शक्ति दी, उसके बाद तुम कर्म विकर्म बनाओ तो सज़ा भी बहुत ज़्यादा है ना। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम बाबा की वाणियों से समझ जाएं तो अच्छा है, वरना दुनिया में लोग कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बहुत आवाज़ होती है। भगवान के प्यार में आवाज़ नहीं होती, लेकिन लाठी में बहुत आवाज़ होती है। और मैंने वो आवाज़ें सुनी हैं, मैंने आत्माओं की वो वेदनाएं देखी हैं जिन्होंने श्रीमत पर ना चलकर उल्टे सीधे कर्म किए हैं, और उन कर्मों के जाल में ऐसे ऐसे फंसे हैं, ऐसे दुख की सृष्टि बनाई है कि उनको देखकर वो तो त्राही त्राही करते ही हैं, हम भी त्राही त्राही करते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए समझ जाना है कि शिव बाबा का बनकर फिर पाप कर्म नहीं करने हैं। जब हमें समझ आ गया कि हमें कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, देहाभिमानवश कर्म नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारा कुछ जानबूझकर फिर पाप करें तो उसकी सज़ाएं बहुत होती हैं, और वो सज़ाएं आप या मैं देखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए पहले से ही समझ कर ऐसे कर्म की गति नहीं बनानी है। तीसरी बात आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं, शिव बाबा का बनकर भी अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो संगमयुगी जीवन का अनुभव साधारण हो जाता है और अगर संगमयुगी जीवन का अनुभव साधारण हो जाए तो इससे बड़ी बुरी बात और जीवन में नहीं हो सकती। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि भगवान के साथ का अनुभव यदि साधारण हो जाए तो दुनिया में मैजिक की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है ना। क्योंकि एक ही तो अनुभव है जो विशेष है, मीठा है, असाधारण है, लेकिन अगर बाबा के घर में रहते भी वही चाल चलन, वही पुराने संस्कार, तो धीरे धीरे क्या होता है, देखो श्रीमत का उल्लंघन क्या है, संस्कार बन जाता है। जैसे दुनिया में हमने और संस्कार बनाए, ऐसे श्रीमत का उल्लंघन भी बार बार करते करते वो भी संस्कार बन जाता है। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुमने पुरानी दुनिया में तो पुराने संस्कार बनाए, नई दुनिया में पुराने संस्कारों का प्रयोग कर कर इसके नएपन को ख़त्म नहीं कर देना, है ना। कई ऐसे होंगे कि मधु बन जाएंगे, अच्छा चलो कुछ होते हैं घर में अमृत वेला नहीं करेंगे, मधु बन जाएंगे तो अमृत वेला करेंगे, ठीक है ना। फिर कई होते हैं मधुबन जाके सोना शुरू कर देंगे। अब मधुबन गए हैं पर उनके टाइम टेबल में कोई फर्क नहीं है, मधुबन में भी सो रहे हैं, मधुबन जाके बाहर खा आते हैं, मधुबन गए हैं और जाकर बाहर खाए, है ना। या मधुबन गए और वही जो शॉपिंग और दृष्टि इधर उधर भटकना वही कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। अब वो जब वापस आते हैं, उनको मधुबन का अनुभव पूछो तो उनका एक टूरिस्ट प्लेस जाने का अनुभव और मधुबन के अनुभव में कोई फर्क नहीं। आप टूरिस्ट प्लेस तो दुनिया में हजारों हैं, आप कहीं भी चले जाते, आपने अपने मधुबन के अनुभव को कड़वा क्यों कर दिया। आप क्या है, मधुबन में जो उनको अनुभव हो सकता था, जो सारी दुनिया से न्यारा अनुभव है, उस अनुभव को उन्होंने किल कर दिया, दैट वो अनुभव खत्म हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब वो एक बार गए, दो बार गए, वो जब भी जाएंगे मधुबन उनको वैसा ही अनुभव हो। अब आप सोचो कि मधुबन की बात कह रही हूं तो ऐसा लग रहा है
हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने के बाद हमारी दिनचर्या के परिवर्तन के आधार से हमारे जीवन के सुख का अनुभव जो परिवर्तन हो सकता था, कई बार हम ब्राह्मण बनने के बाद भी उस दिनचर्या को वैसा का वैसा रखते, मनचर्या को वैसा का वैसा रखते। उसके बाद क्या होता है, मुरली सुनते भी जैसे कानों के ऊपर से टकरा के सारी बातें निकल जाती हैं, क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा है कि हमने संगम युगी जीवन के अनुभव को भी एक साधारण अनुभव बना दिया, और इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन में और कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये भी एक बहुत बड़े पाप कर्म की गति है जो हम समझते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि लोभवश कोई कर्म नहीं करो, है ना। देखो आज बाबा हमें कहते हैं दे अभिमान और लोभ, है ना, अंडरलाइन कराते हैं कि दे अभिमान पर जीत पाओ, लोभ को, है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, लोभ ना रखें तो क्या नौकरी ना करें? नहीं, नौकरी करो, नौकरी करने को किसने मना किया है, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन लोभ मत रखो। लोभ मतलब उस धन में स्वार्थ रखना, है ना। जब संबंध में स्वार्थ होता है तो उसको मोह कहते हैं, जब धन में स्वार्थ होता है तो उसको लोभ कहते हैं, जब देह में स्वार्थ होता है तो उसको देह अभिमान कहते हैं। ऐसा ही है ना, जब उसमें ऐसा है ये मेरा है, सिर्फ मेरे लिए यूज होगा, तो बाबा कहते हैं धन में लोभ नहीं लाओ, लोभ से परे रहो। ये धन है सफल करने के लिए है, समझ कर चलो, दे अभिमान के भ्रम में नहीं रहो। आप दुनिया में देखेंगे बहुत सारे लोग अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस सुनाते हैं, है ना। और आप कभी सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो ये बताते हैं कि आत्मा ने जैसे ही अनुभव किया कि मैं शरीर से न्यारी हो गई, तो आत्मा का सारा भ्रम खत्म हो जाता है मैं और मेरे का, और उसको समझ आने लगता है हाय मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि विकारों के वश जो स्वार्थ जो मोह नेचुरल लगता है ना, जैसे ही आत्मा देह से न्यारी होती है उसको समझ आ जाता है कि ये तन मन धन तो सर्व के लिए था, लेकिन मैंने सिर्फ संचय ही नहीं किया, मैंने अन्यों को दुख भी दिया, या अन्यों का जो जो भाग्य में बना सकती थी, श्रेष्ठ कर्म कर सकती थी, वो नहीं किया। और इसीलिए जब वो आकर, है ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद शरीर में लौट कर आते हैं और अनुभव सुनाते हैं, तो एक एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये समझ आ गई होती है कि हम आत्मा के अंदर ये स्वार्थ ये मैंपन मेरापन भ्रम है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप ये चीज़ मर कर ही क्यों सीखना चाहते हो? बाबा कहते ज्ञान से क्यों नहीं सीख सकते? ज्ञान से सीखो कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की हूँ, और जो भी कुछ है वो विश्व कल्याण के लिए। तो इस देह अभिमान, चाहे शरीर है, चाहे समय है, चाहे मेरी शक्तियाँ हैं, चाहे तन है, धन है, जो भी कुछ है, संकल्प है, तो सर्व के सुख की कामना करने के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ एक के या दो के। तो बाबा कहते हैं इस एक देह अभिमान के पिंजड़े से जब बुद्धि को निकाल देते हो तो मैं समझ आता है कि यही जिससे मैं ये हद की सेवा कर रही हूँ, मैं कितने बेहद की सेवा इसी तन मन धन से कर सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं ये लोभ ये देह अभिमान छोड़ दो। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं ऐसा मत समझो कि जो सिर्फ सरेंडर होकर चलते हैं वो वारिस बच्चे। वारिस बच्चे दो प्रकार के हैं, है ना, दोनों प्रकार के वारिस बनते हैं, जो
सेंटर पर मधुबन में रहते हैं वो भी बनते हैं, तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो भी बनते हैं, और गृहस्थ व्यवहार में जो रहकर वारिस बनते हैं उनके लिए दो कंडीशन है, संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण ट्रस्टी, है ना। और बाबा कहते हैं संपूर्ण ट्रस्टी अर्थात जैसे जीते जी विल कर दिया हो, है ना। बाबा ने तो प्रैक्टिकली जीते जी विल कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली जीते जी विल करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जीते जी विल करना अर्थात बाबा बहुत सुंदर आज बताते हैं, ट्रस्टी बन पूछते रहना है क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे तो बाबा मुरली में रोज श्रीमत देते ही हैं कि एक ट्रस्टी को अपने तन मन धन समय श्वास संबंध को कहाँ लगाना है। अब बाबा कहते हैं उसको तो तुम समझ जाते हो, लेकिन कहीं भी कन्फ्यूजन है तो उसमें राय लेकर कर्म करना है, क्योंकि पाप आत्माओं के प्रति लगाकर, देखो जो पुराने हिसाब किताब हैं, हिसाब किताब कैसे पता चलता है, जहाँ पर आप नहीं करेंगे तो आपकी कॉन्शियंस बाइट करेगी, आप कॉन्शियंस और लोकलाज की आवाज़ में अंतर जानते हैं, है ना। एक होती है आपकी दिल खाएगी, आपको ऐसा अनुभव होगा मैंने पाप किया, अगर आप नहीं करेंगे उसे तो उसको क्या कहेंगे, कर्म बंधन। जैसे बच्चों की पालना, अगर मात पिता है रचना रची है और बच्चों को छोड़कर चले गए, शांति में रह सकेंगे नहीं, उनको अगर अबैंडन कर दिया, है ना, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की है, प्रबंध नहीं किया, तो ऐसे में आत्मा की अंदर कॉन्शियंस बाइट करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि वो कर्म बंधन है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज, रस्म, चाल चलन में हम चलते हैं जहाँ कॉन्शियंस की कोई बात नहीं है, लेकिन देह अभिमान के कारण हम तन मन धन वहाँ लगाते हैं, अच्छा दिखने के कारण, लोग क्या कहेंगे इस कारण, लोग भक्ति की मर्यादाओं के कारण। तो बाबा कहते हैं वो जो तुम लोकलाज के लिए करते हो, लोकलाज कुल की मर्यादा के लिए, जिन रसम रिवाजों में तुम अपना समय शक्ति तन मन धन गवाते हो, उनको तुम छोड़ दो, और जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठता जाता है, तुम्हें समझ आता जाता है कौन सी बातें हम लोकलाज वश कर रहे हैं, कौन सी वास्तव में जिम्मेवारियां हैं। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर चलना माना जिम्मेवारी पूरी करना, और जो कर्म हम लोकलाज वश दुनिया पुरानी दुनिया की मर्यादाओं वश कर रहे थे उनको उनसे बुद्धि निकाल लेना, और फिर बाबा की श्रीमत अनुसार हर कदम बढ़ाना, और जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ राय लेते हुए चलना, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तक तो सिर्फ विकर्म ही किए, अब ऐसा ना हो बाबा के बनने के बाद भी वही कर्म की गति चलती रहे। तो बाबा आज हमें ये समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते चलो गृहस्थ संभालो, लेकिन संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण ट्रस्टी बनकर चले हैं तो फिर इसका मतलब है कि प्यारे बाबा के वारिस बनने के हकदार हम पूरे पूरे हैं, है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि गृहस्थ व्यवहार वाले को वर्षा नहीं मिलेगा और समर्पित को वर्षा मिलेगा। फिर बाबा कहते कोई सेंटर के अंदर भी रहता है तो उसकी भी बहुत कर्म की गुह्य गति है ना। वो जो कर्म की गुह्य गति है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा सोचती हूँ बाबा ने एक बात समझाई कि सेंटर पर रहते हैं, आज भी बाबा ने कहा कि अंदर रहने वालों को भी ट्रस्टी होकर चलना है ना। और ट्रस्टी होकर चलना माना बढ़ाना,
सफल करना। अब मानो कोई अंदर रह रहा है और वेस्ट करता है तो उसका कितना पदम गुणा कर्जा चढ़ जाता है। तो बाबा कहते अंदर रहने वालों की भी कर्म की गुह्य गति है। बाबा ने ये समझाया है कि जो भी बचत है ना सेंटर पर रहने वाले करते हैं ना, मानो सब्जी में भी बचत कर दी, किसी चीज़ को फेंका नहीं, सफल कर दिया, तो ये जो सारी छोटी छोटी बचत भी करते हैं ये भी जमा के खाते में जमा हो जाती है, और छोटा छोटा वेस्ट करते हैं उसका भी बोझ चढ़ जाता है। तो बाबा कहते ये तो कैसा है ना, हाई रिस्क जोन है। सेंटर पर रहना माना हाई रिस्क जोन है ना। आप देखो गृहस्थ व्यवहार में रहते किसी को देख के नहीं मुस्कुराए बड़ी बात नहीं, सेंटर पर रहते मूड ऑफ है, सिर्फ मुस्कुराए नहीं, कुछ कहा नहीं है, मुस्कुराए नहीं तो आत्मा की सेवा नहीं हुई उस दिन, है ना। तो बाबा कहते यहाँ की कर्म की गुह्य गति अलग ही चलती है। और फिर बाबा कहते हैं कि सेंटर वालों को भी मैंपन आता है क्या, मेरा सेंटर मेरी सेवा आ सकता है, आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि जिसने सब कुछ छोड़कर, है ना, क्योंकि जब सेंटर पर रहने आते हैं तो नेचुरल है कि जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि जिसने सब कुछ छोड़ा, छोड़कर तो बना ना, तो फिर वो तुम्हारी चीज़ में क्या मेरापन लाएगा। जिसने मेरे को ही तेरा किया वो फिर दूसरे की चीज़ में क्या मेरापन लाएगा, वो तो है भी उसकी नहीं। अपने को भी जब तेरा कर दिया तो दूसरे की चीज़ में मेरापन कैसे लाएंगे। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, टेक्निकली तो पॉसिबल है लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसने सब कुछ मेरे को तेरा किया जो मेरा था, तो फिर दूसरे की चीज़ में मेरापन लाना बहुत मुश्किल है। तो ये है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, तो ये हुआ ट्रस्टीशिप के बारे में, और बाबा ने आज हमें बहुत बढ़िया आज विकारी दुनिया का चित्र खींचा। कि दुनिया कितनी विशियस है। बाबा कहते हैं एक कन्या को कन्या अवस्था में तो माता पिता धन का अधिकारी बनाते नहीं, और जब विवाह करती है तो विकारों की प्राइस पे करती है, तब उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है ना। जब विकारी बनती है तो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है। तो दुनिया की चाल चलन कैसी है। मैं आजकल जैसे सेवा में रहते हैं तो सबकी अपनी जो स्ट्रगल है वो सुनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कोई माता है ज्ञान में चलती है, कहती है पवित्र रहूंगी, तो पति कहते हैं निकल जाओ घर से, है ना। पवित्र रहना है तो वहीं जाके रहो, वही खिलाएंगे, वही तुम्हारी देखभाल करेंगे, जिनके कहने पर पवित्र रह रहे हो ना वही संभालेंगे तुम्हें, यहाँ नहीं रह सकते। तो माना एक माता को एक कन्या को पवित्रता की सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं, रेगुलर इंस्टॉलमेंट भी अपवित्रता की भरनी पड़ती है ताकि उसका प्रॉपर्टी का अधिकार बना रहे, या छत का भी अधिकार बना रहे। और बड़ा अचरज होता है जब हम कुछ बातें देखते हैं, अभी नई बहुत अभी अभी की बात है, एक माता ने कहा हम विकारी नहीं बनेंगे, तो उसके युगल ने तो नाराज़ हुए, उन्होंने बहुत कुछ किया वो अलग चीज़, लेकिन उसका भाई फ़ोन करता है सेंटर पे और कहता है आप मेरी बहन को समझाओ कि वो विकारी बने, है ना, कि ऐसे तो घर टूट जाएगा, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। अब कितनी कैसी बात है कि चलो जिनके साथ हमारा संबंध या कॉन्ट्रैक्ट ही विकार का है वो तो विकारों के वश जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन माता पिता भाई बंधु भी ये बातें करते हैं। और
देखो, मैं एक दिन ऐसे विचार कर रही थी, एक माता आई तो उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता आजकल, मैं ज़्यादा, है ना, मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, मैं ज़्यादा काम काज, भोजन बनाना वनाना नहीं कर पाती, तो उसके कारण घर का माहौल बहुत ख़राब रहता है। तो मैं विचार कर रही थी, काम की तो बात छोड़ो, काम विकार के बिना भी नहीं रहने देते। तो इस पतित दुनिया का हाल कैसा है कि कन्याओं को, माताओं को हर चीज़ के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, एंटाइटलमेंट नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं, और निर्विकारी दुनिया में कभी झुकना नहीं पड़ता। तो ये जो झुकना और क्या कहें, झुकना तो क्या, पतित बनना और उसके बाद ही तुम्हें कुछ मिलेगा, ये बड़ी गंदी चलन है इस विशेष दुनिया की। और प्यारे बाबा आज हमें क्षमा का अर्थ भी समझाते हैं। दुनिया में कहते हैं, हमने आपको क्षमा कर दिया, बस कल से शक्ल मत दिखाना। हाँ, दुनिया में क्षमा कैसे करते हैं? तुम्हें क्षमा चाहिए थी, क्षमा कर दिया, अब दफा हो जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाना आगे से। मनुष्य क्षमा को किस प्रकार से देखता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं, क्षमा ऐसी हो जो शिक्षा बन जाए, क्षमा शिक्षा बन जाती। और बाबा आज क्षमा का सही अर्थ बताते हैं। देखो, एक चीज़ हमें समझ लेनी है, कर्म की गति ऐसी है कि एक्चुअली हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर किसी ने कोई विकर्म किया है तो वो विकर्म तो उसकी कर्म की गति में नोंद हो गया, और उसको हम तो छुड़ा नहीं सकते उस कार्मिक अकाउंट से, तो टेक्निकली हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या है, हम अपनी शुभ भावना से उसको दुआएं देकर, सहयोग देकर, चाहे वो समझ का सहयोग है, शक्ति का सहयोग है, स्नेह का सहयोग है, या कुछ सिखाने का सहयोग है, तो शुभ भावना संपन्न सहयोग देकर हम उसे वो कर्म दोबारा ना करे उस स्थिति को क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। और जब हम उसे उस कर्म को रिपीट होने से बचाएंगे, तब जाकर वो उस कर्म की गति से छूट सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये है क्षमा का असली स्वरूप, क्योंकि अगर आपने लेट गो कर दिया तो आपने खुद को क्षमा किया, उनको नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने कर्मों अनुसार अपना भाग्य बनाते चले जा रहे हैं। तो किसी को क्षमा करना माना उसको उसके विकर्मों की गति से छुड़ाना, और उसके लिए हमें शुभ भावना की दुआएं उसे देनी पड़ेंगी और शुभ भावना का सहयोग देना पड़ेगा। और जब वो सहयोग आप उसे देंगे, दुआएं देंगे, तो उस आत्मा में वो समझ, वो ताकत आएगी कि वो उस कर्म को दोबारा नहीं करेंगे और उस कर्म के जाल से छूटेंगे। और ये जो तरीका है, ये उसके लिए भी शिक्षा बन जाएगा, क्योंकि उसके साथ कभी ऐसा किसी ने किया नहीं। तो अब जब उसके साथ ऐसा होगा तो वो भी आने वाले के साथ ऐसा ही करेगा। तो ये भी एक संस्कृति बन जाएगी कि हम एक दूसरे से नाराज़ होने के जगह एक दूसरे को क्षमा कर कर आगे बढ़ाना, सुधारना, ये संस्कृति तैयार करें। ओके, ओम शांति।